तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रहे? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। ये तो जनाबे अजीज़े मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरे, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि दसों भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है। देख रहे हो, खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज़े मिस्र की हमनशीनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था।
हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ क्यों नहीं, भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है। वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से, इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा, तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में ना पड़ जाए। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है, खुदा रहा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब, बताइए यूसुफ कहाँ है? यही है, यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। जनाब खुद पर काबू रखें, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से, हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं।